विज्ञान का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है चालकता क्रियाकलाप 1। एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से चित्र 4.3 इसके द्वारा जोड़ दीजिए। ये बैटरी है, ये तांबे का तार है और ये बल्ब है। बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम आयरन आदि का तार लगाएं। बल्ब के जलने और ना जलने का अवलोकन कीजिए। सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है, अतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रयोग को कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की छड़ द्वारा भी दोहराएं। सभी छड़ें गर्म हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अतः छड़ें धातुएं ऊष्मा की चालक हैं। क्रियाकलाप 2। एक तांबे का टुकड़ा तथा एक सल्फर गंधक का टुकड़ा लीजिए और तालिका 4.4 में दिए गए गुणों की तुलना कर अपने अवलोकन लिखिए। अवलोकन के आधार पर परिणाम लिखिए कि कौन सा पदार्थ धातु और कौन सा अधातु है। यह आपको करना है। उसके बाद इसमें लिखना है कि ये जो गुण हैं रंग भौतिक चमक कठोरता उसमें चालक तांबा का क्या है और गंधक का क्या है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम का सूत्र है 4Na, मतलब सोडियम का सूत्र है Na, यहाँ पे 4Na, 4 सोडियम लेंगे और 2 ऑक्सीजन लेंगे O2, तो क्या बन जाएगा 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या आप जानते हैं सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ जुड़ना से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। मैग्नीशियम का एक तार लें, उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम का एक तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg+O2 2MgO। कार्बन अधातु। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO तथा CO2 बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, 2CO+CO2 3C+2O2 मिलकर बनाते हैं 2CO+CO2। जल के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्रियाकलाप 3। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें। कागज के एक बर्तन को पानी से आधा भरे तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। क्या दिखाई देता है, धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए चित्र में, ये है जल, ठीक है, और ये सोडियम धातु का टुकड़ा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो ये बन रहा है अभी ये है हाइड्रोजन गैस 2Na+2H2O सोडियम प्लस जल मिलाकर बना 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है Mg+H2O। मैग्नीशियम प्लस गर्म जल या भाप मिलकर बनाते हैं MgO+H2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अम्ल के साथ अभिक्रिया। एक परख नली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन एवं गंधहीन गैस बुलबुले के रूप से
रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जलती हुई माचिस की एक तीली को परख नली के मुख पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें। हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Zn प्लस 2HCl जिंक या जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं? ZnCl2 प्लस H2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। प्रायः सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अम्ल मिलकर बनाएंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। सल्फर जो कि अधातु है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। 2s प्लस 10 HNO3 बनाते हैं H2SO4 प्लस SO2 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। और भी जाने, तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु मेटालॉइड कहते हैं। धातु अधातु में अंतर, धातु अधातु में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। गुण धातु अधातु, गुण क्या है? भौतिक अवस्था में धातु होती है ठोस कठोर चमकदार, अधातु होती है द्रव गैस ठोस कार्बन सल्फर आयोडीन फॉस्फोरस। घनत्व और गलनांक, धातु का होता है अधिक सोडियम अपवाद और धातु का होता है कम। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, धातु का होता है सुचालक और अधातु होती है कुचालक। अघात वर्धनीयता या तन्यता, धातु होता है अघात वर्धनीय एवं तन्य, अधातु होता है भंगुर एवं तन्यता विहीन। जल से क्रिया, धातु होती है समान ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है और अधातु सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग, दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। यह जहां एक और पिन, कील आदि छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्यूमिनियम के तारों का भी उपयोग होने लगा है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य हैं, इसलिए इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट एवं सिगरेट की पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। धातुओं का संक्षारण, कोरोजन। आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पेंच, पाइप और रेलिंग आदि यदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें तो उनके सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी परत जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होती रहती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। क्रियाकलाप 4। तीन परख नली लें, 1, 2, 3। प्रत्येक परख नली में 2 या 3 लोहे की कील डाल दें। ये यहाँ पर कीलें डली हैं, 2, 2, इसमें भी 2। एक परख नली में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड लें, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है। कैल्शियम क्लोराइड वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है। दूसरी परख नली में उबला हुआ पानी, ऑक्सीजन विहीन जल लें तथा तीसरे में साधारण नल का पानी लें। तीनों परख नलियों के मुख को कॉर्क द्वारा बंद करके रख दें। ये कॉर्क लगा दिया तीनों के मुंह पर। 4-5 दिन बाद तीनों परख नलियों का अवलोकन करें, क्या दिखाई देता है?
पहली तथा दूसरी परख नली की कीलों में जंग नहीं लगता है, जबकि तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग जाता है। ये देखिए फोटो में, पहली दूसरी परख नली में जंग रहित कीलें हैं और इसमें जंग लगी हुई कील है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जंग वायु, ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे तथा एल्यूमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा तथा जस्ता के टुकड़ों पर कुछ बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धातु की सतह पर झाग बुलबुला सा उठता दिखाई देता है। अब धातु के टुकड़ों को जल से धोकर उसकी सतह को उसी स्थान पर छूकर देखें जहां आपने अम्ल की बूंद गिराई थी। आप देखेंगे कि धातु की सतह खुरदरी हो जाती है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखिए यहाँ पर 2Al प्लस 6HCl, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बना रहे हैं 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? धातुओं के संक्षारण द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा ऑक्सीजन से बचाया जाए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील से बनी हुई कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस तेल या ग्रीस की परत भी धातु या वायु धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संचरण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। विद्युत लेपन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी एवं संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु, जिसको बोलते हैं एलोय। अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। धातु में अन्य धातुओं तथा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या अधातु का सामांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। स्थायित्व, तो चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग होता है। कुछ प्रचलित मिश्र धातुओं का संगठन इस प्रकार है। मिश्र धातु, अवयवी धातु उपयोग, पीतल। पीतल बनता है तांबा एवं जस्ता से। बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट की वस्तुएँ बनाने में।
कांसा, कांसा बनता तांबा एवं टिन के मिलाकर। सिक्का, घंटा, मेडल तथा गहने बनाने में। सोल्डर, ये बनता सीसा एवं टिन से। विद्युत परिपथों में टांका लगाने में। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकल से बनती है ये मिलाकर। बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे बनाने में। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण। मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा तांबा, कॉपर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जिसमें जंग नहीं लगता। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे सोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है, इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। पिग आयरन, बाध्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा, 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है, यह भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। इस्पात, यह लोहे का एक दूसरा रूप है, जिसमें आयरन 98.8% 98.8% से 99.8%, कार्बन 0.225% से 1.5% शेष, ये इनके चिन्ह हैं SiPSMn की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। हमने सीखा सभी अयस्क खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर, चमकीली, अगाध वर्धनी एवं तन्य होती हैं। अधिकांश धातुएं गैसीय एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातुओं का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जाता है। ये पूरा पार्ट चैप्टर 4 ख़त्म हो गया है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।